हेलो किड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ नए इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेज़ी में वाक्य सीखेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है नल चालू करो। नल चालू करो इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। नेक्स्ट सेंटेंस इज बक बक बंद करो। बक बक बंद करो इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप द चैटर, स्टॉप द चैटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक मिनट रुको, एक मिनट रुको इंग्लिश में कहेंगे वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस इज थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए इंग्लिश में कहेंगे वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम डरपोक हो, तुम डरपोक हो इंग्लिश में कहेंगे यू आर अ कावर्ड, यू आर अ कावर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसकी मदद करूँगा, मैं उसकी मदद करूँगा इंग्लिश में कहेंगे आई विल हेल्प हिम, I will help him. Next sentence is मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो इंग्लिश में कहेंगे don't be silly, don't be silly. Next sentence is तुम हमेशा सही हो, तुम हमेशा सही हो इंग्लिश में कहेंगे you are always right, you are always right. Next sentence is तुम थके हुए लग रहे हो, तुम थके हुए लग रहे हो इंग्लिश में कहेंगे यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो कहाँ है या फिर वह कहाँ है इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज ही, वेयर इज ही। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये आपके लिए है, ये आपके लिए है इंग्लिश में कहेंगे दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज फिर आना, फिर आना इंग्लिश में कहेंगे कम अगेन, कम अगेन, या फिर कह सकते हैं डू कम अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस इज कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं इंग्लिश में कहेंगे प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज जुबान संभाल कर, जुबान संभाल कर इंग्लिश में कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज आलसी मत बनो, आलसी मत बनो इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, या फिर डू नॉट बी लेजी। नेक्स्ट सेंटेंस इज बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे देखने दो, मुझे देखने दो इंग्लिश में कहेंगे लेट मी सी, लेट मी सी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एहसान मत करो इंग्लिश में कहेंगे डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग इट, आई एम गेटिंग इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी, कम विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज गुदगुदी मत करो, गुदगुदी मत करो इंग्लिश में कहेंगे डोंट टिकल, डोंट टिकल, या फिर डू नॉट टिकल। गुदगुदी को इंग्लिश में टिकल कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये मत करो, ये मत करो या फिर यह मत करो इंग्लिश में कहेंगे डोंट डू इट, डोंट डू इट, या फिर डू नॉट डू इट।
नेक्स्ट सेंटेंस इज इसे छुपाओ मत. इसे छुपाओ मत इंग्लिश में कहेंगे डोंट हाइड इट. डोंट हाइड इट. नेक्स्ट सेंटेंस इज ये बेकार था. यह बेकार था इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज यूजलेस. इट वॉज यूजलेस. नेक्स्ट सेंटेंस इज दरवाज़ा बंद करो. दरवाज़ा बंद करो इंग्लिश में कहेंगे क्लोज द डोर. क्लोज द डोर. नेक्स्ट सेंटेंस इज अपना चेहरा धो लो. अपना चेहरा धो लो इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर फेस. वॉश योर फेस. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपके साथ हूँ. मैं आपके साथ हूँ इंग्लिश में कहेंगे आई एम विद यू. आई एम विद यू. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम इसे भूल जाओगे. तुम इसे भूल जाओगे इंग्लिश में कहेंगे यू विल फॉरगेट इट. यू विल फॉरगेट इट.